जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और इतने महान हैं, इतने महान हैं कि आपने पतित मानव को जो पापों की दशा में पतन हो गया जिसका, और जिसका स्वभाव बिगड़ता चला जा रहा है, जिससे पूरे संसार में केवल झगड़े, लड़ाई, नफरत ये फैल रहा है, प्रभु आपने इस मानवता को बचाने के लिए पहले से इंतजाम कर लिया था, क्योंकि आपको मालूम था कि इस दशा में मानव जीवन कभी भी ना तो सुरक्षित रहेगा और ना ये कभी उन्नति और सफलता और बरकत पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर रहित मानवता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सृष्टि को बनाने से पहले सृष्टि के अंत की बातों को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं, जिसने आपने आरंभ से अपने वचन में अंत की बातों का वर्णन किया है और आरंभ से आप अंत को दिखाते आ रहे हैं, ताकि मनुष्य आपके वचन के द्वारा अपने जीवन के अंत को और इस संसार में मानवता के अंत को देखे और मन फिराकर परमेश्वर से वो जीवन पाए जिससे इस पृथ्वी पर मेल मिलाप और प्रेम बढ़े, ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े और परमेश्वर के द्वारा मानव जीवन का कल्याण हो और सबको उन्नति, बरकत, सफलता और सब कुछ मिले। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान कार्यों के लिए जो आपने पहले से मनुष्य के लिए करके रख दिए। प्रभु आपके पवित्र वचनों का आदर करते हुए अपने आप को धन्य कहते हैं कि हमें ये वचन सुनकर परमेश्वर के नजरिए से चीजों को देखना सीख रहे हैं, ताकि प्रभु हम सब विश्वासियों का जीवन आपकी इच्छा और महिमा का कारण बने, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार हम लोग लैब व्यवस्था के द्वारा ये देख रहे लगातार कि परमेश्वर मूसा की व्यवस्था में, मूसा के तंबू में जो विधि चलती थी, बलिदान विधि, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को शुरू से प्रकट करता चला आ रहा था, जो सिद्ध बलिदान कहलाता है, और उसके साथ साथ सात पर्वों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, जो दो भाग में इस पृथ्वी पर उसके दो आगमन के द्वारा होना है, उसे पर्वों के द्वारा उसने प्रकट किया। और हम परमेश्वर के वचनों का जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं धन्यवाद करते हैं। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, हमने देखिए मूसा की व्यवस्था में तंबू के बारे में जाना, हमने उसमें वेदियों के बारे में जाना, हमने उसमें याजकों के बारे में, प्रीस्टहुड के बारे में जाना, हमने उसमें व्यवस्था में पशु बलि के बारे में जाना, बलि चढ़ाने वाले लोगों के विषय में कि जो लोग आते थे उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, याजक उनको बताता था और वो पशु लेते थे और फिर उसके बलिदान से उनके लिए परमेश्वर से क्षमा याचना मांगी जाती थी, आराधना विधि थी। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज हम देखेंगे वो है, ये सब चीजें जो चल रही थी इनका सबका केंद्र था लहू, लहू। और लहू क्यों केंद्र था और लहू का बाइबल के अनुसार क्या अर्थ है? लहू का मतलब होता है मनुष्य का प्राण। जब पशु का लहू बहाया जाता था वो पशु का प्राण होता था। और आपको शायद नहीं मालूम डेथ की परिभाषा, हालांकि हमने बहुत पहले आप लोगों को बताई थी डेथ की परिभाषा, ये है बाइबल के अनुसार 7 types of deaths है, लेकिन हम आपको उस विषय में नहीं लेके जाएंगे, वो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से। लेकिन मुख्यतः दो भाग तो आपको बताएंगे मृत्यु से संबंधित। बाइबल के अनुसार मृत्यु की परिभाषा है अलगाव, किसी चीज का किसी चीज से अलग हो जाना, वो मृत्यु है। जैसे
हमारी देह से हमारे प्राणों का निकल जाना ये शारीरिक मृत्यु है। इसी प्रकार से हमारे प्राणों का परमेश्वर से पृथक हो जाना ये आत्मिक मृत्यु है। जैसा कि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में कि पर मनुष्य ने आदम और उसकी पत्नी हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो किया जो उसने मना किया था, और उसने कहा था परमेश्वर ने कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये जो फिजिकल डेथ है ये आई कहां से? परमेश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया था, मृतक नहीं बनाया था, मृत्यु का नामो निशान नहीं था। ये मृत्यु का प्रवेश हुआ कहां से? एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन से। परमेश्वर ने कहा था मृत्यु, तो वहां पर जब उसने वो फल खाया पति पत्नी दोनों ने तो तुरंत तो मरे नहीं, तो उनको ये लगा कि परमेश्वर हमसे झूठ बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक उसी समय वो आत्मिक तौर पर मृतक हो गए, यानी परमेश्वर से उनका प्राण पृथक हो गया। अब उनके प्राणों में परमेश्वर को जो वो देख सकते थे वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि जब फल खाने के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा कि हम नंगे हैं तो वो छिपने लगे। जब परमेश्वर शाम के ठंडे पहर में वाटिका में आया तो परमेश्वर के चलने की आहट तो उनको मिल रही थी, यानी सुनाई तो दे रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। आत्मिक सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया था। ये था आत्मिक मृत्यु। आज जो व्यक्ति जिसकी आत्मिक सेंसेस आत्मिक वर्ल्ड को नहीं देख सकती और उसको देखकर रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड नहीं कर सकती कि वास्तविकता या सत्य क्या है, सत्य ये है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअली डेड है। जब मूसा ने जलती झाड़ी को देखा तो मूसा की समझ में नहीं आया वो फिजिकल माइंड का था, स्पिरिचुअली डेड था। इसलिए उसके अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि ये क्या आश्चर्य कर्म है कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, मैं इसके निकट जाऊंगा। और मनुष्य की आत्मिक मृतक मनुष्य के पास केवल एक सेंस काम करती है, वो है सुनना। लेकिन ये खतरनाक है, बिना देखे आप किसी की बात को सुनकर, बिना प्रमाणित बातों को सुनकर अज्यूम कर सकते हैं और आप अपने विश्वास में भटक सकते हैं, और यही भटकने का मेन कारण है स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलाइव व्यक्ति होगा, ये पतित मानव हो गया। अब ये पतन के बाद प्रत्येक मनुष्य शारीरिक रूप से देख तो आत्मिक वर्ल्ड को देख नहीं सकता, आत्मिक चीजों को देख नहीं सकता। परमेश्वर क्या है? आत्मा। और परमात्मा को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि स्पिरिचुअली डेड है, और बिना स्पिरिचुअली अलाइव हुए कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और आप क्या अपने आप से ये प्रश्न करके पूछिए, क्या मैं परमेश्वर को देख सकता हूं? तो आपके अंदर से ये आवाज आएगी नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। कैसे? पहले पहले आपको परमेश्वर को देखने के लिए परमेश्वर के वचन में जाकर देखना पड़ेगा। दिस इज द डिवाइन रेवलेशन ऑफ गॉड। तो दिव्य दर्शन वचन में जाकर आपको दिव्य दर्शन मिलेगा, और जब दिव्य दर्शन मिलेगा और आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे तब आप पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक एक आत्मिक बातों को अंडरस्टैंड करेंगे फुली, जैसे आप फिजिकली करते वैसे ही स्पिरिचुअली करेंगे। यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं देख लेती थी और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को देख लेता था, चेलों के साथ भी यही था। आज यीशु मसीह के वैसे वाले चेले कहां हैं? क्योंकि चेलों ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया था और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते थे, और प्रभु ने उनको एक वरदान दिया था, उन पर पवित्र आत्मा उतर आया था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और इच्छा के अनुसार, चेलों की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा नहीं उतरा था।
ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हम बोलते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि होली स्पिरिट का अर्थ क्या है और रियली में होली स्पिरिट जब कहीं पर होगा तो वो किस प्रकार की बात करेगा। रिकग्निशन आपको वचन से मिलेगा। आज हम लहू के ऊपर अध्ययन करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए लैव्य व्यवस्था की पुस्तक। ये सबसे मुख्य पुस्तक है, ये फंक्शनल है, यानी मूसा का तंबू फंक्शनल कैसे हुआ था, लैव्य व्यवस्था में वो फंक्शंस लिखे हुए। और इसका 17 अध्याय निकालिए, लैव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय। ऊपर हेडिंग होगी लहू की पवित्रता। ठीक, अब इसका पहले पद से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इसराइलियों से कह कि यहोवा ने ये आज्ञा दी है, इसराइल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी के से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त ना ले जाए तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा। यानी अगर ये बलि आपने खुद करी, याजक ने नहीं की, आपने खुद ही कहा कि अरे याजक को कौन कराए, हम खुद कर लेंगे। आजकल लोग हम प्रार्थना कर लेंगे, हम घर में प्रार्थना कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, प्रभु हमको, हम प्रभु को मजान गए, हम घर में प्रार्थना करेंगे प्रभु आशीष देगा। आजकल के मसीही विश्वासियों का ये विश्वास काम कर रहा, क्या ये सही है? अकॉर्डिंग टू द वर्ड, वचन कह रहा ना, तुम अपने मन से अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ा सकते, खुद से मनमानी नहीं कर सकते, ये मनमानी में आता है। हाँ, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा और वो मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वो अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इस विधि का ये कारण है कि इसराइली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें। देखिए, इतनी ज्यादा लोगों की संख्या थी, याजक थे कम, तो वहां लाइन लगी रहती थी। आजकल के जमाने में लोगों को लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं है, सब कहते हैं अरे हम खुद कर लेंगे जी। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर व्याभिचार करते हैं वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान ना करें, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए ये सदा की विधि होगी। जी, तू उनसे कह कि इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर और यहोवा के लिए चढ़ाने को ना ले आए,
वो मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। ये आज्ञा है। अब इसके बाद इसका 11 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अब आपको यहां पे इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये 11 पद को इंग्लिश में पढ़िए। इसमें एक भेद की बात है जो शायद आप इसको 100 बार भी पढ़ेंगे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे तब वो पॉइंट क्लियर होगा। 17:11 फॉर द लाइफ द एनिमल सोल इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट फॉर यू अपॉन द ऑल्टर टू मेक अटोनमेंट फॉर योर सोल्स। अपने प्राणों के प्रायश्चित के लिए तुम अपने परमेश्वर की वेदी पर इस लहू को बहाना। अब एक मिनट यहां पर रुक जाइए, ये गंभीर विषय है। मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए ताकि हम इस बात को, क्योंकि हम किसी इस बात की जड़ को छूने जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर नहीं देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद पढ़ दीजिए। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए। ओ, अब आप एक बात बताइए, समस्त मानव जाति को आप लीजिए, पूरी दुनिया के सब मनुष्यों को, सब प्राणियों को, सारी जाति के लोगों को, सारी भाषा के लोगों को, अब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए हमारा जीवन। हम एक मनुष्य है, ये जाति संसारिक चीज है जो हम जातियों में बटे हुए दिख रहे हैं और हम एक कम्युनल सोच में आ गए। हमारा माइंडसेट परमेश्वर की सोच वाला नहीं है, ना इंसानियत की सोच वाला, हमारा कम्युनल माइंड है। एक विशेष वर्ग को हम अपना सिंबल मान रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब आप ये बताइए, पापों की क्षमा के लिए जो कंडीशन रखी थी परमेश्वर ने व्यवस्था में, ये कंडीशन ये समस्त मानव जाति जो प्रभु को नहीं जानती है, ये पापों की क्षमा कैसे प्राप्त करेगी? क्योंकि यहां दो बातें हमने देखी, व्यवस्था के अनुसार लहू बहाए बिना शुद्ध नहीं हो सकते और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लेकिन कौन सा लहू? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। अब ये 17 अध्याय लय व्यवस्था 17 अध्याय का 11 पद में कह रहा है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है और परमेश्वर कह रहा है मैंने तुमको ये जो प्राण दिया है यानी लहू है इसे वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है और इसको तुम्हें वेदी पर चढ़ाना है और प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित का मतलब इंग्लिश में अटोनमेंट। अटोनमेंट का क्या मतलब है? आज गूगल का जमाना है, अगर आप गूगल करेंगे ना तो गूगल खट से बता देगा अटोनमेंट का मतलब होता है कि पापों के बदले में जो आपको चढ़ाना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसके द्वारा, उस लहू के द्वारा आपको पापों की क्षमा प्राप्त हो जाएगी। पहली बात तो पशु बलि के, पशुओं के लहू से आपका अटोनमेंट वहां पर चल रहा था, ओनली फॉर कवरिंग, ये सिखाने के लिए कि लोग उस लहू को फोकस करें
कि वो लहू यानी जो सिद्ध बलिदान में जो लहू बहेगा वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र का लहू होगा, वो परमेश्वर के मेमने का लहू होगा, ताकि लोग उस मेमने को फोकस करें। इसलिए पशु बलि चल रही थी। और अगर आपने अभी तक ये चीज बाइबल में रिपीटेडली पढ़ने से देखी होगी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा, देखो वो है परमेश्वर का मेमना जो लहू के जो समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिए जा रहा है। उसने व्यवस्था के जानने वालों को इशारा दे दिया था कि ये है वो मेमना। यीशु मसीह को उन्होंने प्रभु नहीं कहा, व्यवस्था के अनुसार वो था मेमना, परमेश्वर का मेमना। ठीक। अब एक और चीज देखिए, यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? जहां पे पशु रहते हैं, भेड़ बकरियां रहती हैं, वहां पे उसका जन्म हुआ। शहर जिसका, वो गांव जिसका नाम है बैतलहम, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। उसका जन्म जिस गांव में हुआ था उसका नाम था रोटी का घर। जीवन की रोटी मैं हूं, उसने इस बात को बताया व्यवस्था के अनुसार, देखो वो है जीवन की रोटी, वो है परमेश्वर का मेमना। व्यवस्था के आधार पर उसकी पहचान आपको सुसमाचार में लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो अन्य जाति के लोग हैं जिन्हें ओल्ड टेस्टमेंट क्लियर नहीं है, उनको ये दृष्टिकोण नहीं मिलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को उस दृष्टिकोण से देखे जिससे कि उनको पता चल जाए कि इसने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। और यही है वो। और यहां पर लिखा अटोनमेंट, अटोनमेंट का मतलब होता प्रायश्चित, और प्रायश्चित में और पश्चाताप में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित किया। प्रायश्चित का मतलब होता है कि जो नुकसान हो गया था उस नुकसान की भरपाई कर देना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको उसको हर्जाना देना पड़ता है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड अटोनमेंट, वो है प्रायश्चित। प्रायश्चित में कुछ पे किया जाता है, अमाउंट पे किया जाता है, उसको कहते हैं प्रायश्चित। पश्चाताप क्या कहते हैं? पश्चाताप ये कि मन में इस बात के लिए खेदित होना कि यार ये हमने बहुत गलत कर दिया, ये हमें करना नहीं चाहिए था। अब आप यहां पर गौर से देखिए तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित परमेश्वर ने किया कि नहीं किया? अब आप ये बताइए कि समस्त मानव जाति अलग अलग जातियों में जो बटी हुई है, परमेश्वर ने सबके लिए किया है? क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण से सब मानव जाति, सब आदम की संतान है, एक ही मूल से आ रही। परमेश्वर बनाने वाला जिसने बनाया वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये सब एक ही मूल के हैं। तो हम अपनी कट्टरता में कायम रहते हैं, इसको कहते हैं हार्ड हार्टेड पीपल, कठोर हृदय वाले मनुष्य। आप अपनी रिलीजियोसिटी में, अपनी धार्मिकता में कट्टर है। ये एक ऐसा कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार आपके लिए, उसने बलिदान तो कर दिया, काम पूरा कर दिया, लेकिन वो चीज आपके जीवन में लागू नहीं होगी जब तक कि आप अपने मन में उस अटोनमेंट के लिए, उस प्रायश्चित को पूरी तरीके से अपने जीवन में लागू नहीं करना मांगेंगे। और इसकी शुरुआत होती है पश्चाताप से, पश्चाताप से। ये प्रायश्चित जो उसने किया है उसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। द रिपेंटेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू रिसीव सेल्वेशन, उद्धार पाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है। और ये हम आज इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तब आपको कल का मैसेज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। द ब्लड ऑफ जीसस, बाइबल मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट,
यीशु मसीह के लहू का अर्थ क्या है और उसका उसका महत्व क्या है हमारे लिए। हाउ डज क्राइस्ट ब्लड रिलेट टू ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसिस, पुराने नियम की भविष्यवाणियों से यीशु मसीह के लहू का क्या संबंध है, वो संबंध अभी हमने आपको दिखाया व्यवस्था से। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ब्लड इज मेंशन थ्रू आउट द स्क्रिप्चर बट व्हाट डज क्राइस्ट ब्लड मीन टू अस। पूरी बाइबल लहू से भरी हुई, ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर चल रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बाइबल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक कलीसियाओं में एक और गलत चीज चली जिसे हम कहते हैं कल्ट, कि लोग पानी को हाथ में लेते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं ये लोग यीशु मसीह का लहू हो गया। लहू बनाया जा सकता है क्या प्रार्थना से? ये झूठी शिक्षा का प्रतिफल ही परिणाम है, झूठी शिक्षा का परिणाम। क्या यीशु मसीह के चेलों ने कभी ऐसा किया? पहली सदी की कलीसिया में ऐसा किया गया? जो चीज आपको वचन के अंदर वर्णन नहीं किया गया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं वचन के अंदर, वो सब झूठी शिक्षा से आ रहा है। तो ये याद रखिए कि जब आपने अज्ञानता में किया उसकी तो आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन आप जानकारी के बात करोगे तो माफी भी नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लहू आपके जन्म के साथ आपके शरीर में आता है और यीशु मसीह का लहू तो दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज। हमारे लहू में पाप है लेकिन उसका लहू निष्पाप था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके स्वभाव में पाप नहीं। वो पैदा हुआ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, कंसीव हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा और वो जीवन बिताया निष्पाप, तो वो पाप को जानता नहीं था, पाप को उसने कभी कोई पाप किया नहीं और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। ये तीन बातें उसके जीवन के लिए परम सत्य है और जब वो निष्पाप था तभी तो उसके द्वारा हमें अनंत छुटकारा मिलता है। तो उसका लहू जो निष्पाप था, ये तो परमेश्वर की ओर से मेमना प्रोवाइड किया गया था। तो मेमना परमेश्वर ने प्रोवाइड किया था, लहू नहीं प्रोवाइड किया था। मेमने की बलि हुई और तब लहू बहाया गया। तो परमेश्वर ने हमको मेमना प्रोवाइड किया, यानी उसका पुत्र वो मेमना है जिसके लहू के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि प्रार्थना से ये काम नहीं होता है, जो गलत शिक्षा है ये सब आजकल चल रहा है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र, किसके पुत्र? यहां बात किसकी की जा रही? देखिए यहां प्रोनाउंस हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। जब प्रोनाउन बाइबल में आता, प्रोनाउन का मतलब होता सर्वनाम। एक होता संज्ञा, संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे आपका नाम है, आपका नाम लेकर हम बोल रहे हैं तो ये संज्ञा है। लेकिन आपके नाम दूसरा सेंटेंस अगर आपके विषय में बोले तो हम कहेंगे वो को लिखेंगे इंग्लिश में ही, ये सर्वनाम है। तो आपको संबोधित किया जा रहा था, यहां पर सर्वनाम आ रहा है। तो हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, कौन? यीशु मसीह। जैसा वो ज्योति में है हम भी वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से यानी यीशु मसीह के साथ हम सहभागिता रखते हैं जी, और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आप सहभागी होंगे तो यीशु मसीह अकेला कभी नहीं था। अब आपको फिर नए नियम में याद दिलाते, यीशु मसीह ने हर कदम पे इसराइलियों से ये बोला था कि देखो पिता मुझ में होकर काम कर रहा है, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता परंतु पिता जो कुछ पिता करते देखता है, पिता उसको सब चीजें करके दिखा रहा है, और जैसे पिता करता है वैसे ही पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो पिता पुत्र साथ में, पिता पुत्र को कोई अलग नहीं कर सकता। तो आप जब यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करते हैं तो पिता
आ जाता है, यानी पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये वाली चीज पूरी कंप्लीट होती सर्किट। अब यहां पर देखिए तो उसके पुत्र, यहां पर लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू कब कब शुद्ध करता, फिर से पढ़िए, जब जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागित, तब हमारी फेलोशिप हो गया। अगर हम यीशु मसीह की बातों के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तभी हमारी सहभागिता यीशु मसीह के साथ है, वरना हम झूठे गवाह बनेंगे और हमारी जीवन से वो ज्योति नहीं निकली तो हम झूठे गवाह हो गए। और अगर आप ब्लास्फेमी यानी लोगों को धोखा देंगे कि देखो यीशु मसीह मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझे अंदर है, अगर आप ये झूठा दावा करते हैं, पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए, और आप यदि जैसा वो ज्योति में, तो यीशु मसीह के जीवन के जैसा ही आपका जीवन नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैं मसीह में हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इसलिए आगे लिखा है कि अगर आप उसके साथ सहभागिता रखते हैं और उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप में ज्योति है, जैसा वो उसमें ज्योति वैसी आप में, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सब पापों को शुद्ध कर देगा। ठीक है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। सत्य है परमेश्वर का वचन। अगर हमारे अंदर वचन रहेगा तो वचन के द्वारा हमको यह मालूम रहेगा कि नहीं, मैं पापी हूं। मसीह में आने के बाद भी हमारा पापी स्वभाव रहेगा, ये याद रखिए, आखिरी सांस तक। नाउ हाउ मच मोर, ये देखिए एक और पद पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 14 पद। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को, कौन सी आत्मा के द्वारा? सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, डेड वर्क्स मत करना। डेड वर्क का मतलब होता है रिचुअल्स। अब आपको एक चीज बताते हैं, डेड वर्क्स के मामले में मरे हुए कामों से आपको यीशु मसीह का लहू छुड़ाएगा। अब ये बहुत बड़ी चीज हो गई। एक मेरे साथ एक इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय में आ जाए, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय। देखिए बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ, बाइबल खुद अपने आप को इंटरप्रेट करती है, कभी किसी का सहारा मत लीजिए। पवित्र आत्मा की रोशनी में आप बाइबल में जाएंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। ये यहां पे लिखा हुआ 6 अध्याय में पहला पद पढ़िए, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, नहीं और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नियो। बस लोग यही कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज सब लोग अपनी अपनी कलीसियाओं में सब अपनी अपनी शिक्षा रूपी नियो डाल रहे हैं, फाउंडेशन कि हमारी कलीसिया की शिक्षा ये है, और कोई कहता हमारी कलीसिया की शिक्षा ये है, और मरे हुए कामों में लगे हुए हैं। मरे हुए कामों का मतलब मालूम क्या है? शारीरिक काम जो शरीर के द्वारा प्रकट करना कि देखो प्रभु यीशु मसीह जैसे करता था वैसे ही हम भी कर रहे हैं। शारीरिक कामों को करके वो यीशु मसीह की नकल उतार रहे हैं। झूठे मसीह का मतलब क्या हुआ? जो शारीरिक रीति से आत्मिक कामों को करने की कोशिश करें, और यहीं पर वो पकड़ लिए जाएंगे कि तुम झूठे हो। अगर वचन आपको मालूम है तो आप फंसेंगे नहीं उनके चक्कर में। अब आपको एक और चीज दिखाते हैं, लगे हाथ, और ये आपके लिए, इसके लिए आ जाइए रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय, दूसरा कुरंथियों 3 अध्याय, दूसरा कुरंथियों 3 अध्याय में आ जाइए, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यहां दूसरा कुरंथियों अध्याय 3 मिल गया, अध्याय 3 का
सात पद पढ़ दीजिए। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जो दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। देखिए पुराने नियम और नए नियम को यहां पे कंपेयर किया जा रहा है। अब यहां पे आपने एक चीज ध्यान दी होगी, पुराने नियम को मूसा के तंबू में जो वाचा के अनुसार वहां पे बलिदान चल रहे थे और जो चीजें जो गतिविधियां चल रही थी उनको नए नियम में मृत्यु की वाचा बोला गया। तो वहां पे जो काम किए जा रहे थे वो डेड वर्क्स हो गए मसीह के बलिदान के बाद। जैसे वो डेड वर्क्स हो गए जो परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित किए गए थे, यीशु मसीह के बलिदान ने उन्हें डेड कर दिया, तो आज कलीसियाओं में जिन विधियों को लोग लेकर खड़े हैं, जो शारीरिक विधियां कि हम प्रार्थना करेंगे और ये हो जाएगा, हम उपवास सहित प्रार्थना करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके के जितने दावे लोग लेके खड़े हैं ये सब डेड वर्क्स में आते हैं और इसमें लोग जाल में फंस जाते हैं। परमेश्वर से ज्यादा किसी को नहीं मालूम कि समस्त मानव जाति को पृथ्वी पर छुटकारा चाहिए, लेकिन छुटकारा परमानेंट चाहिए क्या आपको टेम्पररी चाहिए? परमानेंट छुटकारे के लिए परमानेंट सॉल्यूशन किया हुआ है नए नियम में, आपको उसके लिए एक एक कदम चलना पड़ेगा क्योंकि उसमें शॉर्टकट नहीं है। और जो शॉर्टकट ये झूठी शिक्षा है जो आपको शॉर्टकट दिखाती है, लेकिन शॉर्टकट नाम की कोई चीज एक्चुअली वचन के आधार पर आप देखेंगे तो है नहीं। तो ये सब क्या हुआ है? ये भ्रमित करने वाली शिक्षाएं और भ्रमित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और जो लोग भ्रमित हो जाते हैं ना उनको उस भ्रम में से निकलने में इतनी मुश्किल होगी, इतनी मुश्किल होगी, लगभग इम्पॉसिबल है भ्रम में से निकलना। ये बेबीलोन की गुलामी हो जाती है और उसमें परमेश्वर वहां से नहीं निकालता। राहाब वेश्या को जब वहां पे पुराने नियम में दिखाया गया है, ये एक वेश्या थी, और जब यरीहो में ये लोग इजरायली लोग गए थे कि वहां पर सर्वे करने गए थे, जो 12 भेजे गए थे, तो ये लोग जब वहां पे गए थे तो उन लोगों ने जब इनको पहचान लिया तो इसने छिपा लिया था, इस वेश्या ने अपने घर में उनको छिपा लिया था और उनको शहर की बाउंड्री वॉल के बाहर अपने घर की खिड़की से नीचे उतार दिया था। लेकिन उसने इनसे एक शपथ ले ली थी, कहने लगे जब तुम लोग यहां पर आना और यहां पर इसको अपने कंट्रोल में ले लेना तब फिर एक काम करना कि मेरे परिवार को ना मारना, क्योंकि परमेश्वर ने इनको बोला था पूरे शहर के सब लोगों को मार देना, तो सबको मारूंगा, सबको ये मार देंगे, उसको मालूम हो गया था। तो उसने कहा था मेरे परिवार पर अनुग्रह करना, और इस अनुग्रह का निशान क्या था? जैसे इसराइलियों को परमेश्वर ने वहां से निकाला था, मौत के फरिश्ते को भेजा था, तो चिन्ह क्या था? वहां पे लहू लगा था उनके घर, और जिस जिस घर पे लहू को देखा मौत के फरिश्ते ने, मौत का फरिश्ता किसी की जाति नहीं पहचानता है, लेकिन मौत का फरिश्ता एक चीज जरूर पहचानता है, वो है लहू, फसे के मेमने का लहू वो पहचानता है। और देखिए इतनी भयानक महामारी ने जिन घरों पे लहू लगा था उनको छोड़ दिया था, इसी को बोलते पास ओवर, यानी पास ओवर का मतलब उनको छोड़ देना। पास ओवर का मतलब केवल इतना, फीस्ट ऑफ पास ओवर का मतलब है बचने के लिए आप लहू से बच जाओ, चाहे वो मौत का फरिश्ता क्यों ना हो वो आपको छोड़ देगा अगर वो लहू लगाए तो। ये प्रमाणिकता है लहू की। और यहां पर उसको वहां पर लहू तो था नहीं, उन्होंने एक लाल डोरी बांध दी थी उसके घर पे, ये लाल डोरी इसको बोलते हैं रेड थ्रेड, द रेड थ्रेड ऑफ द कोवेनेंट, ये एक स्टडी बहुत बड़ी।
और ये ज्यूइश स्टडी है, जब आप इसको पढ़ेंगे पूरी बाइबिल एक लहू की धार आ रही है और प्रकाशित वाक्य में वो धार बढ़ जाती है। ये थ्रेड है और ये लहू की पावर दिखाई जा रही है बाइबिल के अंदर। और यहां पर हम देखते हैं दिस कॉर्ड, ये जो लहू का धागा है, ये लाल रंग का धागा, ये लहू की लहू का धागा है। दिस कॉर्ड रिप्रेजेंट द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड इट पॉइंटेड टुवर्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। जब आप ये पढ़ते हैं कि वो देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिया जाता है, वहां पर एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो आप पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 29 पद, इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी में पढ़ दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज पकड़नी वो पकड़ में आ जाएगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 29 पद, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को नहीं लिखा, जगत का पाप। यहां पे देखिए, हमने आपको यह भी बहुत पहले बताया था, सिन एंड सिंस, पाप और पापों में, ये ओरिजिनल सिन की बात कर रहा है जो आदम से डीएनए के द्वारा हम सब में फैल गया और इसी पाप के कारण हमारे जीवन में मृत्यु आती है। मृत्यु क्या है? हम यानी फिजिकली अलाइव स्पिरिचुअली डेड है, तो परमेश्वर से अलग है, डिस्कनेक्शन ऑफ गॉड। तो जब हम परमेश्वर से अलग है तो हम अपनी मनमानी जीवन में करेंगे, हमारा स्वभाव है और हमारे स्वभाव के कारण हमारे स्वभाव में सबसे ज्यादा कोई चीज है तो वो है क्रोध, और क्रोध जहर है और क्रोध के कारण सारी बीमारियों की जड़ क्रोध। अगर आपके अंदर क्रोध खत्म, तो ये लिख के ले लीजिए हमसे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऑल डिजीजेस, द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस इज एंगर, क्योंकि ये कई प्रकार का एंगर होता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं कि आप ये चीज देखिए, ब्लड ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड मीन्स जीसस क्राइस्ट, और ये The prophecy of the blood of Jesus from the very beginning of human history. It is revealed when Adam and Eve sinned. यानि उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हवा ने जब पाप किया, God shed innocent blood in order to make their clothes from animal skin. उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए, परमेश्वर ने इस मेमने को उत्पत्ति में ही बलिदान कर दिया था। जी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए, परमेश्वर चमड़ा कहां से लाया, चमड़े के अंगरखे कहां से उसको प्रोवाइड किया, जी उनको पहना दिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए वहीं पर मेमना बलि कर दिया। दिस इज द सिग्निफिकेंस यहां पे, यानी मानव जाति का मूल आदम और हवा है, और अगर आप वहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मेमना बलि कर दिया और उनको मेमने के चमड़े पहना दिए, ये मसीह में धार्मिकता है। हमको मसीह की धार्मिकता पहनाई जा रही है, उसके लहू के द्वारा हमें पापों को क्षमा किया जा रहा है। द सेम थिंग टू द ऑल ह्यूमन बीइंग, सबके लिए है ये, जो व्यक्ति जान जाए, क्योंकि यहां पर भी फिर वही आती है कि जिसकी जो पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं है, बिना पवित्र आत्मा की बातें समझ में आएंगी नहीं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द कवरिंग ऑफ राइटसनेस दैट वी रिसीव व्हेन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर अस। बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है, और इसीलिए हमने ये चीज देखी कि इसके बाद आप अब उत्पत्ति से आगे बढ़ते हैं तो आदम और हवा के दो बेटे थे, कायन और हाबिल। They instinctively wanted to worship God. वो परमेश्वर की आराधना करना चाह रहे थे, और काइन ने वो खेती करता था, किसानी करता था, तो उसने अपने खेत का उपज लाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। Abel had already learned that God demanded blood. So he brought a lamb. God accepted the blood of Abel's lamb. But he did not accept Cain's offering. Why? Because without the shedding of blood, there is no remission of sins. यानी
इब्रानियों 2:9-22 के अनुसार अगर देखा जाए तो सिद्धांत क्या है, लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। ये बात हाबिल जानता था। हाबिल ने मेमना बलि किया और उसकी भेंट परमेश्वर ने एक्सेप्ट की, जिससे उसका बड़ा भाई कायन बहुत नाराज हुआ और उसने उसको अपने भाई को मार डाला। एंड गॉड टोल्ड अब्राहम टू सैक्रिफाइस हिज लॉन्ग अवेटेड सन आइजक। जैसे हमने देखा कि इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते पुत्र को बलि कर दे मेरे लिए, बलि करके चढ़ा दे। यहां पर परमेश्वर फिर, लेकिन जब वो जाता है तो वहां पर परमेश्वर मेमना उसके लिए प्रोवाइड करता है। ये दिखा रहा परमेश्वर कि मानव बलि मैं नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें मेमना प्रोवाइड करूंगा। तो वो मेमना जो मनुष्य के रूप में हमारे लिए परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। देन गॉड वॉन्टेड टू डिलीवर हिज पीपल फ्रॉम बॉन्डेज इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। ऑन द नाइट ऑफ द पासओवर गॉड इंस्ट्रक्टेड ईच हाउस टू स्ले अ लैम एंड पुट द ब्लड ऑन देयर डोर। गॉड सेड, यानी निर्गमन की पुस्तक उसके 12:13 पढ़ दीजिए। निर्गमन के तब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए एक विधि बताई कि तुम लोग अपने अपने लिए एक मेमना बलि करना और उसका लहू अपने दरवाजे की चौखट पे लगा देना जी, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा। यानी अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपको माफ कर दे, छोड़ दे, मौका दे दे, उसका और कोई उपाय बताइए। दुनिया में सब कुछ लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहाड़ों पे जाके मार्ग, इधर दर्शन उधर दर्शन, ये तीरथ वो तीरथ, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल चीज है, एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति कर सकता है। परमेश्वर जब कोई काम कहता है ना समस्त मानव जाति के लिए, तो वो बिल्कुल लीस्ट वाले को फोकस करके करता है। जब उसको जहाज बनाना था नूह के जमाने में, तो गोफेर की लकड़ी वहां पर बहुत इजीली अवेलेबल थी, उसने कहा गोफेर की लकड़ी का एक जहाज बना। मूसा का तंबू जब बन रहा था उस समय बबूल की लकड़ी बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, जो फ्री में चीज मिले। परमेश्वर वो चीज आपको कहता, बस उसमें मेहनत है, डेडिकेशन काम करने की है और कुछ करने की नहीं। जहां पे आप देखिए, यहां पर उनको बोला था लहू देखकर मैं, व्हेन आई सी द ब्लड आई विल पास ओवर यू, यानी मैं तुमको छोड़ दूंगा। पास ओवर का मतलब छोड़ देना। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर नहीं आएगी। ये परमेश्वर का वायदा है, प्रॉमिस, और तुम नष्ट ना हो। लेकिन इस वायदे की एक कंडीशन है। आज हम देखते हैं लोग एक दूसरे को सवेरे सवेरे वो वर्सेस भेजते हैं, प्रभु तुमको बचा लेगा, प्रभु तुम पर दया करेगा, वो बहुत दयालु है, कृपालु है, अरे सब कुछ ठीक है। लेकिन लोग इन सब भावनात्मक बातों में एक बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। न्यायी का मतलब यह है कि वो अगर गलत है तो गलत ही को गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा और एक्यूरेसी पे बोलेगा। तो वो गलत को कभी भी माफ नहीं करेगा, ये भूल जाते लोग। सर ये भेजने लगते दयालु है कृपालु है, तुम पर ये नहीं होगा, तुम पर विपत्ति नहीं, क्या कर रहे हो? ये झूठे भविष्यवक्ता पुराने नियम में पढ़ के देखिए, वो लोगों को ऐसे ही भ्रमित करते थे कि प्रभु का अनुग्रह तुम पर बना रहेगा, तुम पर महामारी पर कोई असर नहीं आएगा। ये सब एक दूसरे को झूठी दिलासा दे रहे, झूठ बोल के। गलत है कि नहीं है? वचन के अनुसार गलत है। और इस तरीके के जो भी काम कर रहे हैं भ्रमित करने का, ये परमेश्वर के वचनों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परमेश्वर के वायदे लोगों के जीवन में पूरे कभी नहीं होंगे अगर आपने गलत बात बोल दी और लोगों के दिमाग में एक बार गलत बैठ गया। इसलिए ये याद रखिए। और यहां पर देखिए, मूसा के तंबू में लगातार जानवरों का बलिदान होता रहा, कई 5 प्रकार के हम लोगों ने जानवर देखे, उनका बलिदान, लहू बहता रहा, लहू बहता रहा, लहू काई के लिए बह रहा था, इस बात के लिए कि सिद्ध बलिदान के बाद वो लहू पावरफुल होगा। ये जानवरों के लहू से छुटकारा नहीं था। फाइनली द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डाइड अपॉन द क्रॉस, हिज डेथ वॉज द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द प्रोफेसिस एंड प्रोमिस। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय
प्रकाशित वाक्य उसका 13:8 पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 13:8 यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, एक पशु की पूजा, यानी एक एंटी क्राइस्ट जो आएगा ना, उसी को पशु बोला गया। लोग उसकी पूजा करने लगेंगे झूठा मसीह समझकर कि यीशु मसीह आ गया, लेकिन यीशु मसीह से पहले कौन आएगा? झूठा मसीह आएगा। तो जो पहले आए, भ्रमित मत होना, पहले से बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कौन लोग होंगे जो उससे उसमें भ्रमित नहीं होंगे, वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कौन से मेमने के? जो उत्पत्ति से घात हुआ। अभी हमने आपको दिखाया था उत्पत्ति में मेमना, परमेश्वर ने वहां बलि किया था ना, और आदम को और उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरखे पहनाकर वहां से निकाला था कि नहीं निकाला था? परमेश्वर ने वहां से नंगा नहीं निकाला था। परमेश्वर बहुत न्यायी परमेश्वर है, और उसकी उसके न्याय वाले माइंडसेट को लोग कभी भी नहीं समझ पाते। यही तो बात है, ही वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, ही केम टू डाई। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लेकर क्यों आया? मरने के लिए। पर आप देखिए, वो प्रचार करता था परमेश्वर के बारे में, लोगों को बताता था, सब कुछ सही, लेकिन वो साथ साथ अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी भी करता था और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी भी करता था। वो अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी लगातार करता था, और उसने उन भविष्यवाणियों के द्वारा पूरा जो कहता था वैसा किया कि नहीं किया। और यही तो बात है कि वो सच बोलता था, और जो उसने कहा वो किया। He came to die, he planned to die, he lived to die, and he was born to die. वो मरने के लिए आया था। As we have seen, the blood of Jesus is throughout the scripture. What does the blood of Jesus mean for us today? ये यीशु मसीह का लहू आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये बहुत कीमती लहू है। वहां पे जो बलिदान लोग लाते थे वो अपने पैसे से खरीद के लाते थे, उस लहू में कोई पावर नहीं थी, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से मेमना दिया गया है, इसके लहू की पावर, और आज लोग इसी लहू का खिलवाड़ कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, हिज ब्लड रिडीम्स अस। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से बचा लेता है। There was a price against us that we could not pay. यीशु मसीह के लहू का दाम हम में से कोई भी चुका नहीं सकता। अमीर से अमीर आदमी भी है, यीशु मसीह का लहू का दाम नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपना जीवन हमें दिया। लहू प्राण को कहते हैं, तो यीशु मसीह का, परमेश्वर ने उसका प्राण हमको दे दिया। लहू का मतलब प्राण, और जब हमारे अंदर यीशु मसीह का प्राण आ जाएगा तो हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन होगा, मसीह के जैसा जीवन होगा, और यही प्राण हमें बचाता है। एंड वी कुड नॉट पे, बट द ब्लड ऑफ जीसस रिडीम्ड अस। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18:19 पढ़ लीजिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 18:19 जी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमारा चाल चलन कहां से आ रहा है? बाप दादों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आपके पद के सबसे बड़ी बात यहां पर क्या सीखने की है? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि का मतलब क्या हुआ? हमारा बाप दादों से जो डीएनए चला आ रहा है, स्वभाव चला आ रहा है, व्यवहार विचार ये सब चला आ रहा है, मसीह में अगर आप आ गए तो ये जो पूर्वजों से आपको स्वभाव मिला ये खत्म हो जाएगा।
पूर्वजों का स्वभाव में क्रोध मिलेगा। हम आपको बड़े छोटे छोटे साइन बता रहे हैं। जब आपके जीवन में आप क्रोध रहित हो, समझ जाइएगा कि आप नई सृष्टि बन गए। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा आप नई सृष्टि हो, क्योंकि क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। ये पूर्वजों का स्वभाव है जिसमें क्रोध भरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा नहीं था कि तुम क्रोध की संतान हो? हमारे पूर्वजों के अंदर क्रोध भरा हुआ था, ये क्रोध की संतान। जी, तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के, अर्थात मसीह के कौन से लहू के द्वारा? बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब आप ये बताइए, एक बार आप हीरा खरीद सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू का दाम नहीं चुका सकते। भौतिक चीजें आप जितनी भी खरीद लें, कितने भी अमीर हों, वो भी यीशु मसीह के लहू का दाम नहीं चुका सकते। व्हाट अ प्रेशियस ब्लड, कितनी कीमती चीज है, और आज लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं मालूम क्यों? क्योंकि ये निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू है, ये दुर्लभ चीज है। जी, हिज ब्लड ब्रिंग्स अस इनटू फेलोशिप विद गॉड। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाने की सामर्थ्य भी देता है और हमें जाने के योग्य करता है। अकॉर्डिंग टू इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 13, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। इफिसियों 2 पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है। ये किसको कह रहे जो दूर थे हम निकट हो गए? अन्य जाति। जी, जिसने दोनों को एक कर दिया, किसको? यहूदी और अन्य जाति दोनों को मिला दिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब एक बार एक और चीज, हिज ब्लड मेक्स पीस विद गॉड। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल होता है। मैन बाय नेचर इज एट वॉर विद गॉड, पर मनुष्य स्वभाव से परमेश्वर के साथ मनुष्य का भयानक झगड़ा है स्वभाव के कारण। एंड वी कैन ओनली कम टू गॉड ऑन हिज पीस टर्म्स। हम केवल परमेश्वर के पास कुछ शर्तों के द्वारा, शांति की शर्तों के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। द ब्लड अटोलमेंट, वो है लहू के द्वारा प्रायश्चित किया जाना। वो किसने किया? पूरी दुनिया की सारी किताबों को पढ़ लीजिए आप, हल कहीं नहीं मिलेगा। किसी के पास होता तो फिर आज ये सब चीजें चल नहीं, सबको छुटकारा मिल गया होता, ये भीड़ ना लगी होती। साल दर साल भीड़ बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और सामने वाला खड़ा उसको छुटकारा मिला नहीं, पीछे लाइन लग गई। ये है भीड़, ये भीड़ इस बात को दिखा रही है कि किसी को मिल नहीं रहा, सब लगे हुए। कुलसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। कुलसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20 पद, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। पर हाँ, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। ये देखिए यहां पे, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ दीजिए कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 20, कोलोसियों 1:20। जी, एंड गॉड प्रपोज दैट थ्रू बाय द सर्विस The intervention of him, the Son, all things should be completely
reconciled back to himself, whether on earth or in heaven, as through him the Father made peace by means of the blood of his cross. उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने पूरी दुनिया से मेल कर लिया, वही हमारा मेल है. His blood cleanses, उसका लहू हमें शुद्ध करता. Not only does it remove the punishment of sin, but it also removes the pollution. वो केवल हमें पापों से शुद्ध नहीं करता, बल्कि वो हमें प्रदूषण से भी शुद्ध करता है, यानी वैचारिक प्रदूषण. I don't care what sin you have committed. हमें ये नहीं मालूम, हम इस बात की चिंता नहीं करते कि आपने कौन सा पाप किया है. The blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, चाहे आपने कैसा भी किया हो. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 पद. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 पद. जी पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं. और जो लोग यीशु मसीह के साथ कलीसिया में सहभागिता रखते हैं, वचन के प्रकाश के द्वारा यीशु का लहू उनके सब पापों को शुद्ध कर देता है. His blood gives power over devil. उसका लहू हमें दुष्ट की शक्तियों पर जीतने की, उन पर काबू करने की शक्ति देता है. It's the blood that Satan fears. यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से शैतान घबराता है. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 पद. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 पद यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली. और वो शैतान को उन्होंने, शैतान के पास मालूम है, अगर आप ग्रीक में देखें, ग्रीक में डेथ को यानी मृत्यु की शक्ति को कहा गया है क्रातोस, जो शैतान के पास है. और पुनरुत्थान की शक्ति को भी ग्रीक में कहते हैं क्रातोस, और जो यीशु मसीह के पास है. शैतान आपको मृत्यु में ले जाता है और यीशु मसीह आपको पुनरुत्थान कर देता है. तो जो मर जाएगा यीशु मसीह में उसका पुनरुत्थान हो जाएगा, अगर वो विश्वास करता है. तो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं. आपको कहां मिलेगा इतना कीमती लहू, लेकिन यहां पर हमको जगह बता दी गई है. यदि आप कलीसिया में परमेश्वर के वचनों के द्वारा, ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको प्रकाश देता है. परमेश्वर के वचन वो आग है, शोले है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये शोले लहकते हैं और पवित्र आत्मा को दिखाएगा टंग ऑफ फायर से. तो पवित्र आत्मा जब बोलेगा तो परमेश्वर के वचनों को बोलेगा, ये टंग ऑफ फायर है. और फायर को आप देखते हैं कि आग जो है वो परमेश्वर का वचन है, और जब वो किसी के मुख से निकलता है और वो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति है, तो उसके मुख से परमेश्वर के वचन की आग निकलती है. और ये आग जो है ये ज्योति देती है, ये जीवन देती है, और ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक भी है. और आप, हमने बड़े अध्ययन से ये देखा कि वेदी की आग कभी ना बुझने पाए, और लिखा है तुम पवित्र आत्मा को ना बुझाओ. नहीं लिए ये पवित्र आत्मा की जो अग्नि है, जो वचन हमको प्रबल रहे, ये बुझने नहीं चाहिए. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, अपने आप को नम्र बनाएं, और अपने आप को ये समझाएं, अपने अपने मन से बात करें. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे. यहोवा ही है जिसने हमारे अनंत उद्धार का प्रयोजन किया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड. परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे छुटकारे के लिए पहले से
सब कुछ बंदोबस्त करके रखा है। आपने प्रभु वो कीमती लहू पहले से रखा है, आपने अपने पुत्र के बलिदान को हमारे लिए पहले से करके रखा है, और प्रभु आपने हमारे पुनरुत्थान का सारा इंतजाम किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आदम में सब मरेंगे तो मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इसलिए प्रभु हम वो लोग हैं जो कलीसिया में आए हैं ताकि हम मसीह में जिलाए जाएं। हम सब का जीवन मसीह की महिमा का कारण हो, हम उस जीवन को जीना शुरू करें जो मृत्यु के बाद का जीवन है, नई सृष्टि वाला जीवन, ताकि प्रभु हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण हो, परमेश्वर की महिमा का कारण हो, और सारी महिमा परमेश्वर को मिले, और हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर का ज्ञान भी मिले, ताकि परमेश्वर बहुत दूर तक लोगों से संपर्क स्थापित करे, सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।